गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। इंडिया में प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार रेस में वापस आ गया है और वो दावेदार है राहुल गांधी। और आज के फैसले से ये भी स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और जरूर लड़ेंगे भी। इंडिया में प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत और सशक्त दावेदार राहुल गांधी को आज मान रहे गोदी एंकर सुधीर चौधरी की पत्रकारिता के इस धर्म परिवर्तन पर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई, जिससे राहुल की सांसदी वापस और संसद में फिर से दहाड़ने का उनको मौका मिलने वाला है। राहुल की ये धमाकेदार रिटर्निंग एंट्री की खबर भर सुनकर गोदी पत्रकारों में गोबर दिमाग के चीथड़े उड़ने लगे हैं। सुधीर चौधरी राहुल गांधी की तारीफ करते दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त दावेदार राहुल गांधी वापस आ रहे हैं। आगे राहुल गांधी की तारीफ और बीजेपी को कोसते हुए सुधीर और भी बहुत कुछ कहते हैं, आप सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि सुधीर की पत्रकारिता के इस धर्म परिवर्तन का कारण और सच्चाई क्या है। इस सच्चाई की जीत हुई है, सच की जीत हुई है और राहुल गांधी मतलब सत्यमेव जयते। ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, अब ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा और जब जब ये शब्द बोला जाएगा तो सच का मतलब होगा राहुल गांधी। जो बीजेपी को राहुल गांधी की आवाज़ दबाते हुए एक तरीके से पकड़ लिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार ने राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया, राहुल गांधी के साथ अन्याय किया है और उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए। दोस्तों, सुधीर की ये बातें सुनकर यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। एक क्षण के लिए आपको भी ऐसा लगा होगा कि कहीं वाकई में तो सुधीर चौधरी ने मोदी सरकार का दामन छोड़ नहीं दिया, कहीं सुधीर कांग्रेस की तरफ तो नहीं झुकने लगे। तो आपको बता दें, सुधीर चौधरी की ये सारी बातें राहुल और कांग्रेस पार्टी की इस जीत के खुन्नस में निकल रही थी। वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तो उंगली उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोसने का जो नया तरीका ढूंढा इस मामले पर, वो लगभग उल्टा पड़ता दिखाई दिया। सुधीर राहुल और कांग्रेस पार्टी की बुराई कर रहे थे, कांग्रेस का रेफरेंस देकर राहुल के लिए ये बातें कह रहे थे, जो सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रहा हो मानो वो अपनी तरफ से राहुल और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर उनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। दरअसल सुधीर कहना चाह रहे थे कि विपक्षी अलायंस इंडिया के सबसे सशक्त पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी। साथ ही सुधीर ने विपक्षी अलायंस के इंडिया नाम पर भी खुन्नस निकाली, कहा, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इंडिया नाम का इस्तेमाल ऐसी ऐसी जगह करने वाले हैं जिसकी आलोचना करना और उस पर उंगली उठाना लगभग असंभव होगा। जैसे कि यहाँ इस वीडियो में सुधीर का कहना कुछ और चाह रहे थे, पर तारीफ जैसा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो सुधीर चौधरी कह रहे हो कि पूरे भारत देश इंडिया के सबसे सशक्त पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। आगे सुधीर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है कि सच्चाई की जीत हुई है और कांग्रेस राहुल गांधी मतलब सत्यमेव जयते रिप्रेजेंट करेगी। ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का दावा होगा कि मोदी को राहुल की आवाज दबाते पकड़ लिया गया, मोदी ने राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, सुधीर ये सारी बातें कांग्रेस के रेफरेंस के साथ बोल रहे थे कि कांग्रेस ऐसा कह रही है। उन्होंने असल में अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा, जो दिखाता है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इस जीत से उन पर खुन्नस व्यक्त कर रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।